हरे कृष्णा, आज शाम 5 बजे न्यू ईयर पे स्पेशल एक गिफ्ट, छोटा सा लेकिन बहुत मेहनत से बनाया हुआ, शाम को 5 बजे रिलीज करेंगे। मैंने आपको बताया था इट्स अ रिमिक्स वर्जन ऑफ अ सॉन्ग विच यू ऑलरेडी मेड। आई होप यू गोना लाइक इट। 5 PM रीलोडेड। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आज तो एकादशी है, समोसे कैसे खिलाओगे। हमने आज एकादशी पे एकादशी वाले पकौड़े बनवाए हैं, तो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए देखो दुकान बहुत बढ़िया हम पहुंचे। यहाँ पर लाइन भी लगी है, देखो सभी पहुंच गए। आज हमारी गाड़ी लेट हो गई है, आज थोड़ी राधे राधे, आज एकादशी है ना, एकादशी समोसे तो खा नहीं सकते, तो आज दूसरा बनवाया एकादशी का, इसीलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, बस पहुंच रहे थोड़ी देर में। ये देखिए आज हम जा रहे हैं स्कूल में, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स है, तो आज ये गर्ल्स को देंगे। वहाँ पर बॉयज भी है, गर्ल्स हैं, और स्वेटर, हाँ देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, स्वेटर्स भी ले आइए प्रभु जी। सो पूरी नको तक भर की गाड़ी हमारी, ठूस ठूस के इसमें स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, और पूरी टीम यहाँ पर रेडी है हमारी, दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कल घी निकाला मुश्किल से 5-6 किलो, पता नहीं 5-6 किलो होगा भी कि नहीं होगा, 5-4.5 के आसपास, और यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं। भैया 5 किलो मेरा, 10 किलो फलाने का, 2 किलो फलाने का। अरे भैया यही तो होता है, असली जो घी होता है वो कम निकलता है, इतना नहीं निकलता है, तभी वो एक तो महंगा होता है, क्वांटिटी में बहुत कम होता है, और जो हमको घी मिलता है ना मार्केट में, ले लो वो समझ जाओ फिर अब कैसा होता है घी वो। तो अभी हम डिसाइड करेंगे, हम उन लोगों को ये वाला घी देंगे जो हमें इसकी फीडबैक भी दे पाए, और सबको 1-1 लीटर देंगे एक साथ, किसी को 5 लीटर नहीं मिलेगा। नो आगे हमारी नंदरानी, सारा घी बिक चुका है? तुझे चीकू नहीं मिलेगा। लोग घी लेने के लिए हिमाचल पर्वत पे एक टांग पे खड़े होने को तैयार हैं, कहते लेकिन सारा हमें दे दो। बता अब तेरे को क्या मिलेगा इसमें, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं। चीकू हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हो राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्णा एवरीवन। आज है एकादशी, और एकादशी पे हम करते हैं बहुत सारी चैंटिंग, और आज बहुत सारी सर्विसेज थी एज यू, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे मैनेज करें थी सारी सर्विसेज, तो हमने पिक की सबसे पहली सर्विस विच इज चैंटिंग। तो अभी हम है माधवस फाउंडेशन के हेड ऑफिस के टेरिस पे, और यहाँ पे आ रही अच्छी सी धूप, तो यहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ है प्रीति, वो देखो वहाँ पीछे बैठी हुई है वो। तो प्रीति और मैं चैंटिंग कर रहे हैं, और हमने बोला कि अगर धूप में हम दोनों में से किसी को भी नींद आ जाएगी तो हम एक दूसरे को उठा सकते हैं, कि ताकि हमारी अटेंटिव चैंटिंग हो पाए। और या हैप्पी एकादशी एंड हैप्पी चैंटिंग, कीप चैंटिंग, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, हरे कृष्ण। एक और बात, कीप एटलीस्ट 1 पर्सन इन योर लाइफ हु कैन एक्चुअली वेक यू अप, जो आपको जगा सकता हो। अगर आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं तो वो आपको वापस बुला सकता हो। तो कभी कभी कुछ करेक्शन, कुछ सजेशंस हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, तो इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे लेते हैं। आई थिंक वी शुड रादर थैंक दैट पर्सन। हरे कृष्ण। दिक्कत नहीं, आपसे कुछ पूछेंगे नहीं वो लोग, टूट के पड़े, टूट के। फिर से एकादशी, एकादशी यानी स्वर्ण माता जी के हाथ के बने पकौड़े,
और हम पढ़ते हैं टूट के। कोई पर्टिकुलर चेक करने के लिए खड़ा नहीं होता, एकदम बेशरम बनके हम किसी को पूछते भी नहीं। आज एकादशी है और आज इतने ज्यादा काम करने पड़ रहे हैं आज, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अभी मैं एडिटिंग रूम से बाहर निकला हूँ और आज शाम को 6 बजे हम रिलीज करेंगे हमारा न्यू ईयर, मतलब इस साल का लास्ट म्यूजिक वीडियो। और ये बेसिकली एक रीलोडेड है, एक नया वर्जन है हमारे पहले भजन रिलीज हुए का, जैसे हमारा मेरे बांके के बिहारी लाल का हमने किया था। लेकिन भागदौड़ बहुत हो गई हमारी, हरी को जब प्रैक्टिस करवाते हैं ना उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो शाम को 6 बजे रीलोडेड जरूर देगा यूट्यूब पे माधवाज रॉक बैंड। तो घूम फिर के हमारी पलटन आ जाती है बच्चों के पास, गईयों के पास, क्योंकि सच में इनके पास आके बहुत मजा आता है। तो बच्ची ये हमारी सुरभि और ये हमारा गोपू गोपाल बाबा गोपाल ने मेरी, ये बड़ा होकर एकदम नंदी जैसा बन जाएगा। गोपाल तब हमारे हाथ नहीं आएगा, तब हमारे हाथ नहीं आएगा। तो ये है लड्डू और ये बहुत फेवरेट है हमारे यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर है ना। ये गौरी है, गौरी बहुत खुश होगा, गौरी वेरी गुड। और ये हरी खिला आएगा किसको, गोपी प्रिया को। पास लेके जाओ बेटा, डरो मत, पास लेके जाओ। वेरी गुड। बहुला को कौन खिलाएगा? मैं। बहुला, बहुला थोड़े गुसेल मतलब प्यारी है, हाथ में खिलाओ। हाँ वेरी गुड। इसको कौन खिलाएगा गोपी प्रिया, ध्यान से मारती है गोपी प्रिया, गुस्सा करती है। अच्छा हाँ, मेरी इंटेंशन ना आपको सड़ाने जलाने की जरा भी नहीं होती, पर अब वो हो जाता है ऐसे अपना, मतलब अब क्या करूं अब हम खाएंगे और आपको सिर्फ देखना है। सॉरी हाँ, मैं सच में चिढ़ाना था, बिल्कुल ध्यान। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बीट बैग अगेन। ये जो बीट बैग है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसमें लाइंस आ जाती हैं, लाइंस हमारी हरकत हो जाती है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव बीट बिकॉज इट्स सिल्क फैब्रिक टाइप का है। अभी मैं इसको पहन के हमारी गईयों के साथ खेल रहा था और गईयों को जनरली हम जो फेंसिंग करते हैं उसमें कांटे होते हैं ताकि आपको बाहर से कोई तंग ना करे, तो उन कांटों में मेरा बीट बैग अड़ गया और ये देखो क्या हो गया। ध्यान से देखिए आप, आपको बहुत सारी लाइंस लगेगी। तो मेरे दिल पे चिंगारियां बज गई क्योंकि ये बीट बैग बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने रिस्क लिया और उस रिस्क का मेरे को नुकसान भी हुआ। प्लस इसका ध्यान रखना पड़ता है, कांटेदार चीज़ों से दूर रखना है। अगर आप कांटों के पास लेके जाएंगे और या पर्स में कुछ ऐसा रखा है सेफ्टी कुछ भी, तो इसमें निशान आ सकता है। साल का आखिरी दिन कल 31 दिसंबर, कौन कौन है वृंदावन धाम में जो परिक्रमा करना चाहता है? यस हरी बोल। लेकिन बहुत टफ होने वाली क्योंकि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करने वाले हैं, 4:30 बजे इस्कॉन के पास जो पुलिस चौकी है वहां से हम परिक्रमा शुरू कर देंगे 4:30 AM। तो जिसको भी परिक्रमा करनी है साल के आखिरी दिन, तो वो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी हमारे पास यही एक टाइम की ऑप्शन थी, हम थोड़ा लेट नहीं कर सकते बिकॉज 7:30 बजे हमारी दूध की सेवा है, वहां पर भी कल हमने समोसों का इंतजाम किया हुआ, दूध का इंतजाम किया हुआ है।
तो 4:30 सुबह वृंदावन परिक्रमा लास्ट डे ऑफ द ईयर। हरि बोल।